खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते भारत, दिन की तमाम बड़ी खबरों के साथ हम तीनों आपका स्वागत करते हैं। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। नमस्ते भारत, दिन की शुरुआत नहीं, हम आपको दिन का पूरा हाल बता देंगे और आज का अखबार भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। साथ आपके मैं हूं कुमकुम बिनवाल। नमस्ते भारत, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। अगले आधे घंटे तक हर सियासी हलचल से लेकर देश दुनिया की हर बड़ी खबर पर रहेगी हमारी नजर, लेकिन सबसे पहले नमस्ते भारत की शुरुआत करने हम जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण से जुड़ी खबर पर। जी हां, शपथ ग्रहण में इमरान खान को नहीं बुलाया गया तो अब पाकिस्तान बौखला गया है। आइए आपको दिखाते हैं क्या चल रहा है पाकिस्तान के भीतर, किस तरह की हलचल है। पीएम मोदी ने 2014 में सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को शपथ ग्रहण समारोह में न्योता दिया था, लेकिन इस बार बिम्स्टेक के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद रहेंगे, यानी भारत के कई पड़ोसी तो होंगे लेकिन पाकिस्तान नहीं। इसी को लेकर पाकिस्तान में सियासत गर्म हो गई है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम शरीफ ने पीएम मोदी के न्योते को लेकर इमरान खान पर हमला बोला है। इस मुल्क में इस वक्त जहां नालायके आजम की जाली हुकूमत है, वहां पर कोई सरबराह नहीं आता, ना वो जाली आजम को बुलाता है। इसलिए नहीं बुलाता कि ये कहीं हमसे पैसे ना मांग ले। इस बीच मोदी के शपथ ग्रहण में न्योता ना मिलने से पाकिस्तान सरकार बौखला गई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा उनसे न्योते की उम्मीद करना बेवकूफी है। कुरैशी ने कहा भारत का पूरा चुनाव प्रचार पाकिस्तान पर केंद्रित था, ऐसे में शपथ ग्रहण समारोह में उनसे न्योते की उम्मीद नहीं की जा सकती, उनसे न्योते की उम्मीद करना बेवकूफी है। देखिए, हैरानी की बात यह है कि बिम्स्टेक देशों को न्योता मिला जिसमें पाकिस्तान हिस्सा भी नहीं, तो बैठे बैठा इशू बनाने वाली ये बात है। लेकिन कल होने वाले मोदी के शपथ ग्रहण के माननीयों की लिस्ट भी आपको दिखा देना। कल शाम राष्ट्रपति भवन में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जब एक बार फिर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे तो सामने बिम्स्टेक मुल्कों के खास मेहमान भी बैठे होंगे। जिन विदेशी मेहमानों को न्योता भेजा गया है उसमें श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना, बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद, भूटान के प्रधानमंत्री लोते तशेरिंग, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, म्यांमार के राष्ट्रपति विन मिंत, थाईलैंड के प्रधानमंत्री के विशेष दूत शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रबिंद जगन्नाथ और किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सूरनबे जीन बेकोव को भी निमंत्रण भेजा गया है। मोदी के इन विदेशी मेहमानों के लिए इंतजाम भी खास है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विशेष व्यवस्था की गई है। विदेशी नेताओं के विमानों की लैंडिंग को प्राथमिकता दी जाएगी। मेहमानों के विमानों को AFS टेक्निकल एरिया में रुकवाया जाएगा। जगह कम पड़ी तो सिविल एनक्लोजर में विमानों की पार्किंग होगी। कमर्शियल फ्लाइट से आने वाले मेहमानों का सेरेमोनियल लाउंज में स्वागत। विदेश मंत्रालय की टीम विदेशी मेहमानों की अगवानी करेगी। दिल्ली के 3 बड़े 5-स्टार होटल में रुकने का इंतजाम किया गया है। राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोज का भी आयोजन किया गया है। अगले दिन सभी मेहमानों से पीएम मोदी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नरेंद्र मोदी ने विदेश नीति को लेकर एक अलग पहचान बनाई है, खासकर पड़ोसी मुल्कों पर उनका ज्यादा फोकस रहता है और शपथ ग्रहण के दिन भी इसकी वानगी नजर आएगी। अब देखिए, आस्था और प्रतिमा ने आपको विदेशी मेहमानों की लिस्ट बताई, अब मेरा काम है आपको घरेलू मेहमानों की लिस्ट बताना। देखिए मेरे पीछे क्या लिखा है, जब मोदी विल मीट दीदी, कल इसी तरह की तस्वीर देखने को मिलेगी। अब देखिए ना, चुनाव में सबसे कल भी लड़ाई कहाँ हुई, पश्चिम बंगाल में ममता और मोदी थे आमने सामने, लेकिन कल भी वो आमने सामने होंगे लेकिन तलखी नहीं होगी। रसगुल्ला भी खिलाते हैं, हमारे घर में कोई आए तो हम चाय भी पिलाते हैं, हम चाय पिलाएंगे, रसगुल्ला खिलाएंगे, लेकिन एक भी वोट हम नहीं देंगे, एक भी नहीं देंगे। दीदी मुझे बंगाल की मिट्टी और पत्थरों से बना रसगुल्ला खिलाएगी।
चुनावी प्रचार में एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाने वाले पीएम मोदी और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के सियासी रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलती नजर आ रही है। कल राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी और मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में ममता बनर्जी भी शिरकत करेंगी। ममता बनर्जी ने कहा है, मैंने अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री से भी बात की है और चूँकि ये एक औपचारिक कार्यक्रम है, ऐसे में मैं भी इसका हिस्सा बनने के लिए दिल्ली जाऊंगी। भले ही चुनावी प्रचार के दौरान पीएम मोदी और ममता बनर्जी के रिश्तों में तल्खी रही हो, लेकिन पीएम अक्षय कुमार के साथ हुए गैर राजनीतिक इंटरव्यू में ममता को दीदी कहकर अच्छे व्यक्तिगत रिश्ते की बात कह चुके हैं। ये ममता दीदी, हाँ, साल में आज भी मुझे एक दो कुर्ते खुद सिलेक्ट करने जाती है। अच्छा। मैंने एक दो कुर्ते भेजती है। पीएम मोदी का शपथ ग्रहण समारोह कल शाम 7 बजे राष्ट्रपति भवन में होगा। इसमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी आ सकते हैं। पूरे लोकसभा चुनाव में दोनों नेता एक दूसरे पर बुरी तरह से फायर थे और अब दिलचस्प है कि प्रधानमंत्री मोदी जब शपथ ले रहे होंगे तो दीदी भी वहां पर पहुंचेंगी। इससे पहले हमने आपको बताया कि शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन से मेहमान आएंगे, लेकिन वो बात तो रही विदेशी मेहमानों की। अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ और कौन कौन से मंत्री हैं जो कि इस बार शपथ ले सकते हैं। इस बार 20% मंत्री बदले जा सकते हैं, नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है, खासतौर पर युवा चेहरों को इस बार प्राथमिकता मिल सकती है। मंत्रिमंडल में कई युवा चेहरों को शामिल किया जाएगा। सीसीएस में भी बदलाव संभव है। 5 घंटे तक मैराथन बैठक चली है अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की, जिसके बाद निकलकर ये तमाम बड़ी बातें सामने आई हैं कि इस बार मंत्रिमंडल में जो 20% मंत्री हैं उन्हें बदला जाएगा, युवा चेहरों को प्राथमिकता दी जाएगी और सीसीएस में भी बदलाव संभव है। चर्चा के मुताबिक अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के स्वास्थ्य को देखते हुए उनके मंत्री बनने पर फिलहाल सस्पेंस है। राजनाथ, गडकरी, स्मृति, निर्मला को मंत्री बनना लगभग तय है। एक बार फिर से उनको मौका दिया जाएगा, रिपीट उनको किया जा रहा है और अगर ऐसा हुआ तो टॉप लेवल पर बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे दे जो सीधा जम्मू से आ रही है। यहाँ के सभी ठिकानों पर अलर्ट कर दिया गया है, जो सैन्य ठिकाने हैं उनको अलर्ट पर रखा गया है और जम्मू में फिलहाल ये बड़ी जो अपडेट है ये हम आपको बता रहे हैं। पठानकोट हाईवे से 2 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं, जिसके बाद ये बड़ा कदम उठाया गया है। मिलिट्री स्टेशन का वीडियो बना रहे थे ये दोनों संदिग्ध, जिनको फिलहाल पकड़ लिया गया है और ये भी बताया जा रहा है कि वीडियो बनाकर बकायदा पाकिस्तान भेज रहे थे। पाकिस्तान के हैंडलर्स के संपर्क में ये आरोपी थे। बहुत बड़ी इस वक्त ये डेवलपमेंट हम आपको बता रहे हैं। जो 2 संदिग्ध पकड़े गए हैं सीधे तौर पर पाकिस्तान कनेक्शन उनका निकलकर सामने आ रहा है, जिसके बाद तमाम सैन्य ठिकानों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है, हाई अलर्ट पे रखा गया है तमाम सैन्य ठिकानों को। कल ही नमस्ते भारत में ये बड़ी जानकारी हमने अपने दर्शकों को दिखी थी, पठानकोट में एक बार फिर से आतंकी खतरा मंडरा रहा है। इस बीच अगली खबर का रुख कर लेते हैं। क्या चुनाव में कांग्रेस के लिए फंड जुटाने की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश को दी गई थी? ये सवाल चुनाव खत्म होने के बाद और ज्यादा गहरा गया। इनकम टैक्स विभाग के जो डॉक्यूमेंट्स एबीपी न्यूज के हाथ लगे हैं वो तुगलक रोड घोटाले के आरोपों को सही होने की दिशा में इशारा करते हैं। तुगलक रोड चुनावी घोटाला, तुगलक रोड चुनावी घोटाला। तुगलक रोड मतलब दिल्ली की वो सड़क जहां राहुल गांधी और कमलनाथ जैसे बड़े कांग्रेसी नेताओं की आवास है। दस्तावेजों के आधार पर एजेंसियों की जो जांच जिस दिशा में बढ़ रही है उसका साफ मतलब ये है कि मध्य प्रदेश के कई विभागों के पास चुनाव के दौरान पैसे जुटाने की जिम्मेदारी थी और वो पैसे सीधे भोपाल से दिल्ली पहुंचाए जा रहे थे। बड़े बड़े लोगों के बंगलों से कैसे करोड़ों का काला धन इधर से उधर हुआ, इसके सबूत आज सामने खड़े हैं। जो दस्तावेज एबीपी न्यूज के पास हैं, उसमें 3 बड़े किरदारों का जिक्र है। पहला राहुल गांधी, दूसरा दिग्विजय सिंह और तीसरा कंप्यूटर बाबा, जिसका असली नाम नामदेव त्यागी है। इनकम टैक्स को मिले दस्तावेज कहते हैं कि जिन पैसों की उगाही हुई वो सबकी जेब में डाले गए। व्हाट्सएप पर एक पर्चा भी घूम रहा है जिसमें काली कमाई के लक्ष्य का कच्चा चिट्ठा है। ट्रांसपोर्ट 54 करोड़ 45 लाख, एक्साइज 36 करोड़ 22 लाख, एक्साइज जीओजे 1 करोड़ 97 लाख, माइनिंग 5 करोड़ 50 लाख, एएमआर माइनिंग 5 करोड़, पीडब्ल्यूडी 5 करोड़ 20 लाख, अर्बन 4 करोड़ 30 लाख, आहार 12 करोड़, इरिगेशन 4 करोड़, एनर्जी डिपार्टमेंट 1 करोड़,
मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहे थे और साथ साथ छापेमारी भी चल रही थी। तो सवाल ये है कि क्या वाकई कमलनाथ ने मंत्री और नेताओं के साथ साथ अफसरों को पैसे की उगाही का लक्ष्य दिया था, क्योंकि एक और दस्तावेज इनकम टैक्स विभाग के पास है जिसमें रणदीप सुरजेवाला, दिग्विजय सिंह और कंप्यूटर बाबा को देने वाली रकम का जिक्र है। कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदिता नहीं होनी चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए, बदले की भावना से प्रेरित नहीं होनी चाहिए, हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। प्रतिमा, इस रिपोर्ट के बाद बहुत ही बुनियादी सवाल जो एबीपी न्यूज लगातार उठा रहा है, आस्था, वाकई सवाल बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि क्या चुनाव में कांग्रेस ने धन का धंधा किया। अब आप देख रहे हैं इस लिस्ट में दो नाम आए, दिग्विजय सिंह और रणदीप सुरजेवाला। दिग्विजय सिंह ने कह दिया कि मुझे कोई नोटिस अभी मिला नहीं है, रणदीप सुरजेवाला ने कुछ नहीं बोला है। इस पर खबर लगातार आपको हम देते रहेंगे, लेकिन इस बीच आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर, और बड़ी खबर फिर से कांग्रेसी खेमे के लिए मुश्किल पैदा कर रही है। ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को समन जारी कर दिया, इस वक्त की बड़ी खबर। ईडी ने पूछताछ के लिए वाड्रा को समन दिया है, फिलहाल जमानत पर है रॉबर्ट वाड्रा। दिल्ली में कल ईडी दफ्तर में उनसे होगी पूछताछ, यानी कि चुनाव खत्म होने के बाद एक बार फिर से मुश्किलों में रॉबर्ट वाड्रा। हमारे संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, एक बार फिर से मुश्किल में दिख रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा। बिल्कुल कुमकुम, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रॉबर्ट वाड्रा को एक बार फिर से पूछताछ के लिए समन जारी किया है। बृहस्पतिवार को सुबह 10 बजे उन्हें ईडी के जामनगर ऑफिस में बुलाया गया है, और एक बार फिर उनसे जो हरियाणा की जमीनें हैं और इसके अलावा जो लंदन में उनकी बेनामी प्रॉपर्टी है उसको लेकर पूछताछ का नया दौर शुरू होगा। इसके पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट रॉबर्ट वाड्रा की एंटीसिपेटरी बेल को कैंसिल कराने के लिए हाईकोर्ट भी मूव कर चुका है, जहां पर हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई 17 जुलाई को होनी है। ईडी इस बारे में साफ तौर पर कोर्ट को ही बता चुका है कि रॉबर्ट वाड्रा पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, लिहाजा जी हाँ, और कई राउंड की पूछताछ उनसे पहले भी हुई है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये ओपी तिवारी कि क्या गिरफ्तारी की तलवार अब रॉबर्ट वाड्रा पर लटक रही है। आप नजर बनाए रख लिए, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली खबर का रुख हम करेंगे, बात यहाँ पर हम करने जा रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। एक वक्त था जब राहुल गांधी के दाएं बाएं नजर आते थे गहलोत, लेकिन देखिए वक्त कैसे पलटता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री से राहुल गांधी इन दिनों इस हद तक नाराज हैं कि उन्हें मिलने का समय तक नहीं दे रहे। जो अशोक गहलोत कभी राहुल गांधी के दाएं बाएं चला करते थे, आजकल उन्हीं गहलोत को राहुल से मिलने का टाइम नहीं मिल रहा है। सूत्र बता रहे हैं लगातार 2 दिन तक गहलोत राहुल से मिलने उनके आवास पहुंचे, लेकिन उदास चेहरे के साथ वापस लौटना पड़ा। हालांकि गहलोत ने प्रियंका गांधी से मुलाकात कर उन्हें अपनी सफाई जरूर दी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मिल करके निकल रहे। राहुल की नाराजगी बताती है कि गहलोत की कुर्सी पर खतरा है। राहुल ज्यादा नाराज इस वजह से है क्योंकि पहले तो गहलोत ने बेटे वैभव को टिकट दिलाया और फिर पूरा प्रचार अभियान सिर्फ बेटे को जिताने पर केंद्रित कर दिया। गहलोत बचेंगे या जाएंगे इस सवाल पर पार्टी के प्रवक्ता भी खामोश हो जाते हैं। आज राजस्थान कांग्रेस कमेटी की बैठक भी होनी है। वैसे भी टीवी पे आजकल स्थान तो किसी और खबर का है नहीं, तो क्यों हम स्पेकुलेशन भी करें। इधर राहुल गहलोत पर गर्म है तो दूसरा खेमा सचिन पायलट को सीएम बनाने का सपना देखने लगा है। जोधपुर से उठ रही आवाजों को सुनिए। सचिन पायलट जी ने राजस्थान में जो मेहनत की उसका नतीजा था कि कांग्रेस की यहाँ सरकार बनी। अगर सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री बनाया जाता तो राजस्थान में कांग्रेस की अच्छी सीटें आती। राजस्थान में बीजेपी ने सभी 25 लोकसभा सीटों पर कब्जा जमाया है और कांग्रेस अपनी सरकार के राज में एक भी सीट नहीं जीत पाई। कुमकुम, देखिए अशोक गहलोत पर सवाल उठना भी लाजमी है। अपने बेटे के लिए सबसे ज्यादा प्रचार करने के बाद भी उसे नहीं जिता पाए। देखिए मुसीबत में सिर्फ राजस्थान सरकार नहीं है, कांग्रेस की मध्य प्रदेश सरकार भी हार के साइड इफेक्ट झेल रही है। सरकार के भीतर कई तरह की आवाजें उठने लगी है। तो मैं भी नहीं जानती कि कौन है, पर क्या तो किस तरीके का लालच या ऑफर दिया जा रहा आपको? यही कि मतलब मंत्री पद जो चाहें आप वो देंगे, जो भी आप पैसा चाहेंगे वो देंगे। पैसा कितना? 50 करोड़ और भी जो तुम्हारी आगे आप बोलो। ऐसे बयानों के चलते पहले से ही कमलनाथ की कुर्सी हिल रही है, और अब लोकसभा चुनाव में चारों खाने चित होने के बाद अध्यक्ष पद पर भी खतरा मंडराने लगा है। कमलनाथ के ही कैबिनेट मंत्री का बयान सुनिए, मानो अब मौन टूटने का वक्त आ गया हो। कांग्रेस पार्टी उनको अगर पद देती है, उनका चयन करती है, ये आम कार्यकर्ता की भी इच्छा है। अभी मैंने ये कहा तो आप अभी 2 मिनट में आपका प्रश्न क्या होगा, आपको समर्थक हो।
जाहिर है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का खेमा एक्शन में है और कमलनाथ अंदर बाहर दोनों तरफ से गिर रहे हैं। मोदी के अंडर करंट ने झटका तो लगभग हर दल को दिया, लेकिन कांग्रेस के हालात बताते हैं कि इस हार ने पार्टी के भीतर बड़े बदलाव की शुरुआत कर दी है। आस्था, इसे कहते हैं हार के साइड इफेक्ट्स। अब देखिए ना पीछे मेरे क्या लिखा है, इस्तीफा पॉलिटिक्स, ये भी चल रहा है कांग्रेस में। दरअसल राहुल गांधी हैं कि वो अपने पद पर ना बने रहने के लिए, इस्तीफे के लिए लगातार अड़े हुए हैं, लेकिन उनके कुनबे के लोग उन्हें मना रहे हैं और कह रहे हैं ऐसे ना जाओ राहुल। मोदी लहर में दोबारा करारी हार झेलने वाली कांग्रेस की बेचैनी बढ़ी हुई है। राहुल का मन है कि अध्यक्ष पद छोड़ दे, लेकिन पार्टी के नेता उनके इस फैसले के खिलाफ है। शीला दीक्षित की अगुवाई में आज शाम राहुल के घर के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं की कतार लगने वाली है। नारा लगेगा, राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भरोसे का बांध दक्षिण से भी तैयार हो रहा है। तमिलनाडु कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष कहते हैं दक्षिण भारत में पार्टी के जितने भी उम्मीदवार जीते उसका कारण राहुल का ही चेहरा था। राहुल के इस्तीफे के खिलाफ पार्टी एकजुट खड़ी है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि राहुल अब अध्यक्ष नहीं बने रहना चाहते। तो ये भी चुनाव के साइड इफेक्ट हैं। कांग्रेस के अंदर ही बवाल नहीं है, बवाल टीएमसी के अंदर भी है, क्योंकि यहां भी प्रधानमंत्री पद की जो दावेदार थी ममता बनर्जी। लेकिन अब देखिए उनकी पार्टी के अंदर क्या हो रहा है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से पार्टी की हार हुई है, सब तरफ भगवा ही भगवा है, यहां तक कि उनकी पार्टी के कई नेता भी अब भगवामय हो गए हैं। लोकसभा का चुनावी संग्राम खत्म हो गया है, लेकिन बंगाल में सियासी उथल पुथल जारी है। कल शाम ममता की पार्टी टीएमसी के दो विधायक समेत कुल तीन विधायक और कई पार्षदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। काफी लोग आना चाहते हैं, हम बीजेपी में हर किसी को नहीं लेंगे। जो बीजेपी लायक होगा, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, हम फिल्टर करेंगे, उन्हीं को लेंगे। बीजेपी में शामिल हुए इन तीन विधायकों में मुकुल राय के बेटे शुभ्रांशु राय भी हैं। शुभ्रांशु को टीएमसी ने चुनाव परिणाम के बाद पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निलंबित कर दिया था। पश्चिम बंगाल में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन कर 18 सीट जीती है। इस सीट से उत्साहित अब बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। दीदी के गढ़ में बीजेपी की सेंध ने टीएमसी की मुश्किल बढ़ा दी है। जिनके साथ जनता, उनको हॉस्टलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। जिनके साथ जनता नहीं हो, लोकसभा के चुनाव में बहुत साफ हो गया। वहीं ममता के मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक बीजेपी पर जबरन पार्टी में शामिल करने का आरोप लगा रहे हैं। तो हम लगातार आपको बता रहे हैं किस तरीके से ममता जो है वो ममता की पार्टी में सेंध लगाई जा रही है पश्चिम बंगाल में, और किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं हम लगातार आपको बता रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं बीजेपी सांसद का डांस। राजस्थानी लोक संगीत की धुन पर थिरकती ये सांसद रंजीता कोहली हैं। चुनाव जीत के बाद पहली बार अपने लोगों के बीच पहुंची तो इस तरह जश्न मनाया। भरतपुर में 39 साल की सांसद रंजीता कोहली पहली बार चुनाव लड़ी और मोदी लहर में सांसद की सीट तक पहुंच गई। सांसद बनने के बाद जब रंजीता गांव में पहुंची तो खूब स्वागत सत्कार हुआ, और इसी बीच महिलाओं के साथ साथ सांसद रंजीता ने भी ठुमके लगा दिए। आज बहुत मान सम्मान से हम सभी का सम्मान किया गया है, उसके लिए मैं पूरे दूसारी गांव को धन्यवाद देती हूं, और जो इनके जो अधूरे काम थे मैं उनको पूरा करने की कोशिश करूंगी। रंजीता को वोट भी कम नहीं मिले, 3.25 लाख वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है, जो इस सीट पर अब तक की सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। रंजीता के ससुर बयाना सीट से 3 बार बीजेपी सांसद रह चुके हैं। रुख करते हैं अगली अहम खबर का, जहां मुंबई में डॉक्टर पायल तड़वी आत्महत्या केस में 3 आरोपी डॉक्टर्स की अब गिरफ्तारी भी हो गई। मुंबई के चमक धमक और तेज दौड़ती जिंदगी के बीच आज भी इंसान जाति के जाल में फंसा हुआ है। मुंबई में डॉक्टर पायल तड़वी सुसाइड केस की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मृतक डॉक्टर पायल के परिजनों का आरोप है कि BYL नायर अस्पताल में पायल के सीनियर महिला डॉक्टरों ने पायल पर जाति सूचक तानों और रैगिंग से परेशान किया, जिससे परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली। परिजन इंसाफ के लिए अस्पताल के बाहरी धरने पर बैठ गए हैं। इसके बाद मुंबई पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर आरोपी डॉक्टर भक्ति बेहरे, डॉक्टर हेमा आहूजा और डॉक्टर अंकिता खंडेलवाल को गिरफ्तार कर लिया है। महिला डॉक्टरों को पुलिस आज सेशन कोर्ट में हाजिर करेगी।